ये कहावत तो आप सबसे सुनी होगी, पैसा तो हाथ का मैल होता है। लेकिन यही पैसा जब हाथ से निकल जाता है तो अर्जेंसी में हमें एक एक रुपए की अहमियत समझ आती है। सोशल मीडिया पे सैलरी क्रेडिट होने के दिन और एंड ऑफ द मंथ पे बने मीम्स और स्पूफ वीडियोस आपने जरूर देखे और शेयर किए होंगे। इसीलिए आज हम बात करेंगे हाउ टू स्टॉप स्पेंडिंग मनी पे। जरूरत की चीजों पे खर्च करने में कोई बुराई नहीं है, पर अननेसेसरी अगर आप पैसे खर्च कर रहे हैं तो आपको ये आदत बदलनी चाहिए। इसे करने के क्या क्या तरीके हैं, सॉल्यूशन फॉर लाइफ प्रॉब्लम्स में आज इसी की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन जानने से पहले प्रॉब्लम्स पे नजर डालते हैं कि बिना सोचे समझे अगर आप पैसा खर्च कर रहे हैं तो आपको किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। प्रॉब्लम नंबर 1, ईएमआई फेल। आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर जॉब, हम किसी ना किसी तरह की ईएमआई जरूर भर रहे होते हैं। कार, बाइक, होम लोन, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन या फिर मेडिकल इंश्योरेंस और एसआईपी जैसी चीजों के लिए अक्सर हमारे अकाउंट से ईएमआई कटती है। और अगर हम मंथ एंड में लो बैलेंस के साथ चलेंगे तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आप अपनी ईएमआई ना भर पाए। पैसा जुगाड़ ना कर पाने पे आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है या फिर ईएमआई फेल होने पे आपको नोटिस मिल सकता है या जुर्माना भी लग सकता है। हर हाल में आप मेंटली परेशान होंगे। प्रॉब्लम नंबर 2, अनफुलफिल्ड नीड। अपने फाइनेंशियल बजट को सही से मैनेज ना कर पाने के चलते अक्सर लोगों के पास सेविंग्स नहीं होती है, और जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो आपको किसी से उधार लेना पड़ता है या हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसे अरेंज करने पड़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी जरूरत की चीजें भी नहीं खरीद पाते। हो सकता है कि आपको लैपटॉप लेना है, कोई जरूरी सामान खरीदना है, कोई करियर रिलेटेड कोर्स करना है या घर की कोई जरूरत पूरी करनी है, लेकिन आप इधर उधर की चीजों में इतने पैसे खर्च चुके होते हैं कि आपका अकाउंट नील बैठे सन्नाटा हो चुका होता है। प्रॉब्लम नंबर 3, अनफुलफिल्ड फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। अगर आप मैरिड कपल हैं, पेरेंट हैं या आपकी फैमिली आप पे डिपेंडेंट है तो ऐसे में जिम्मेदारियां बहुत हद तक बढ़ जाती है। ऐसे में कोई मेडिकल इमरजेंसी होने पे, वाइफ को कोई गिफ्ट दिलवाने की प्रॉमिस पूरा करते वक्त या फिर बच्चे का स्कूल फीस भरते हुए भी आप फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स पूरा नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आपको शर्मिंदा होना पड़ सकता है। ऐसी कोई नौबत ना आए इसीलिए पैसे जरूरत के हिसाब से खर्च कीजिए। चलिए आप जान लेते हैं कि किन तरीकों को अपनाकर आप अननेसेसरी पैसे खर्च करने से बच सकते हैं और अपनी सैलरी या इनकम को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, सेट शॉपिंग टाइम लिमिट। जब भी आप शॉपिंग करने जाएं, अपने लिए एक लिस्ट तैयार कर ले कि आपको खरीदना क्या क्या है और शॉपिंग को टाइम लिमिट में बांध दीजिए कि घंटे दो घंटे से ज्यादा आप मार्केट या मॉल में नहीं रुकेंगे। इससे आप देखेंगे कि आप कोई भी ऐसी चीज नहीं खरीदेंगे जिसकी जरूरत नहीं है और इस तरह आपका बजट नहीं बिगड़ेगा। सॉल्यूशन नंबर 2, पे विथ कैश। जब भी आप मार्केट में जाए या शॉपिंग पे निकले तो डेबिट या क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने के बदले कैश पैसे से खरीदारी करें। इससे कभी आप लिमिट से ज्यादा पैसे नहीं खर्च करेंगे। ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, क्योंकि हमें कार्ड से पे करने में पैसों की अहमियत समझ नहीं आती है, पर अगर कैश पेमेंट हो तो लगता है कि बहुत ज्यादा ही पैसे हाथ से निकल रहे हैं। सॉल्यूशन नंबर 3, स्टॉप ओवर स्पेंडिंग। कई बार ऐसा होता है कि हम बिना जरूरत के ही चीजें खरीद कर उनका स्टॉक बढ़ा लेते हैं, जैसे कपड़े, जूते, घड़िया और एक्सेसरीज हमारे पास होती हैं, फिर भी शॉपिंग करते हुए हम ये चीजें खरीद लेते हैं और कई बार हमें बाद में पछतावा भी होता है। हो सकता है कि आपको घर पे मॉम, डैड, वाइफ या बड़े भाई बहन से डांट भी सुनना पड़े कि तेरे पास एक घड़ी या जूता तो था ही, फिर तूने ये क्यों खरीद लिया, पैसे की कदर करना सीख, नहीं तो बाद में पछताएगा। इसीलिए हो सके तो अपने साथ एक पार्टनर लेकर जाइए जो आपको ओवर स्पेंडिंग पे टोके। सॉल्यूशन नंबर 4, बी अवेयर ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग एप्स। हम सबके मोबाइल पे कई तरह के ऑनलाइन शॉपिंग एप्स होते हैं और अक्सर ही हम उन पे टाइम स्पेंड करते हैं। इस हैबिट से हम किसी न किसी चीज से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं और एंड ऑफ द डे हम कोई ना कोई चीज ऑर्डर कर ही देते हैं।
इसीलिए इन एप्स पे सर्फिंग, विंडो शॉपिंग या टाइम स्पेंड करने की आदत को कंट्रोल करना चाहिए। सॉल्यूशन नंबर 5, अंडरस्टैंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। वीकेंड्स पे यंग लड़के लड़कियां अक्सर ही मॉल्स में घूमने चले जाते हैं, फिर वहां कई बार दोस्तों की देखा देखी पीयर प्रेशर में हमें फूड जॉइंट्स, कैफे या फिर शॉपिंग आउटलेट्स में जाना पड़ता है और ऐसा होने पे पैसे खर्च हो ही जाते हैं। इसके अलावा भी सेल या डिस्काउंट दिखने पे शॉपिंग करनी ही है, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को समझना जरूरी है। इन बातों को समझने पे ही आपका पैसा आपके अकाउंट का परमानेंट मेंबर बना रहेगा। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में बताए तरीकों से आपको मनी मैनेजमेंट करने में आसानी होगी। ऐसे ढेर सारे लाइफ प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको यही मिलेगा। देखते रहिए सलूशन फॉर लाइफ प्रॉब्लम्स। मोर विजडम, मोर सलूशन, बेटर लाइफ।